राजतंत्र था 1947 से पहले 1947 13 अगस्त में इंडिया का चुनाव हुआ जो हम लोग जियोग्राफिकल पॉपुलेशन हम लोग अगर हिसाब करके देखते थे जब हम लोग इंडिया का सब मर्ज हुआ 93% अभी हम लोग 80% के नीचे जाकर 19% इंडिया के साथ हम लोग मास्क करके हम लोग सब सिक्योरिटी ब्रांड मिलने के लिए उम्मीद था और आशा करके ज्वाइन किया था, लेकिन क्या देखा इंडिया का सर पास करने के बाद हम लोग पूरी तरफ से एक्सटेंशन में आ गए। जितना भी जो घुसपैठिए लोग बांग्लादेशी हिंदू भी हो जो भी हो मुस्लिम भी हो जो बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर्स इलीगल इंट्रूडर्स हमेशा कंटिन्यूसली डिब्रा में एंट्री होती रहती है, इंडिया गवर्नमेंट बॉर्डर में पोस्ट लगाती रहती है। वेलकम है घुसपैठी, बॉर्डर सिक्योरिटी है BSF, लेकिन डिब्रा का कोई प्रोटेक्शन नहीं किया आज तक, हमेशा कंटिन्यूसली बांग्लादेशी डिब्रा में आती रहती है और आने के साथ सब वोटर ID मिलता है, आर्मी रेसिडेंशियल जितना भी जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी का सर्टिफिकेट मिलते हैं, वोटर ID मिलता है, कैंडिडेट मिलता है, मिनिस्टर मिलता है, होम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, मतलब पूरी तरफ से इलीगली पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट कर चुका है। और अब तक इंडिया गवर्नमेंट डिप्रेशन पीपल के लिए एक भी कानून नहीं बनाया जो विदेशी इलीगल इंट्रूडर्स का हाथ से मुक्ति करने के लिए, तो ये इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। 1.3 मिलियन ये कंट्री में त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य अपना स्वाधीन राष्ट्र कर इंडिया का साथ मार्स हुआ, इंडिया यूनियन में मार्स हुआ, उन्हीं के साथ अभी हम लोग बांग्लादेशी का बांग्लादेशी सा त्रिपुरा में और पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सोशली ऑल साइड इन त्रिपुरा, लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बाय नेशनल पार्टी नेम बाय नेम ऑफ नेशनल पार्टी इन कांग्रेस टाइम इन बीजेपी नाउ डीजे बीजेपी टाइम दे एंटरटेनिंग द नेम ऑफ नेशनल पार्टी। तो यहाँ पे हम लोग देखता हूँ त्रिपुरा में जितना भी जो सरकार आया है, लेकिन त्रिपुरा का कोई भी बिजनेस पीपल का सरकार नहीं, हमेशा बांग्लादेशी का सरकार, बांग्लादेशी को इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और बांग्लादेशी मेजोरिटी बन गए हैं, तो बांग्लादेशी वोट बैंक को मेजोरिटी वोट बैंक का कारण से इंडिया गवर्नमेंट वोट बैंक को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें इंडिजिनस नेटिव पीपल जो माइनॉरिटी है उनका कोई सोल्यूशन और उनका कोई राइट्स उनका कोई सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी नहीं दिया गया और कुछ भी आज तक कोई लॉ सेल्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं एक्शन किया। आज जो आपका धरना प्रदर्शन है उस पर आपको सरकार से क्या कहना है, मेन मुद्दे पर बात करें? सरकार से ये बात कर रही हूँ, हिस्ट्री बैकग्राउंड यही है, हम सरकार का ये मांग सिर्फ आज नहीं है 2014 से हम लोग मांग रहे हैं, जितना भी इलीगल इंट्रोडर्स दिखा में कुछ बैठे लोग बैठ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले चुका है, पॉलिटिकल पावर ले चुका है, पूरी तरफ से लैंड ले चुका है और जो रेप केस मर्डर केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948
पॉपुलेशन सेंस अस इज 1940 सबसे हम लोग को पॉलिटिकल राइट्स देना चाहिए, एनआरसी लागू करना चाहिए, जितना भी बांग्लादेशी घुस बैठिए लोग वहाँ पे धर्म का बात नहीं है, घुस बैठिए मीन घुस बैठिए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू भी हो सकते हैं मुस्लिम भी हो सकते हैं जो भी हो सकते जो लोग घुस बैठे लोगों को ये बाहर किया जाए, मोटाली से काट किया जाए। और आने वाला 2023 में इलेक्शन हो रहा है, फिर इलेक्शन का पहले प्रेसिडेंसी वोट करके इसी को एनआरसी का थ्रो से मोटाली से होता के फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। और मर्डर केस गैंग रेप और जो लोग दिया गया उन लोग को बांग्लादेशी राइफल मैन असिस्टेंट कमांडर सिर्फ ये नहीं है, हमें सब शूट करके माफिया बांग्लादेशी लोग मार दे रहा, लेकिन आज तक कोई एक भी कल्प्रिट पकड़ नहीं आया, एक भी जस्टिस नहीं हुआ। और कोई जरे की बात नहीं, कोई जस्टिस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो इसी तरह की हमें जो हमेशा हम लोग का साथ जो इनजस्टिस हुआ है इसको जस्टिस हम लोग मांग रहे हैं, जितना भी कल्प्रिट है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उन लोगों को फांसी ऑर्डर देना चाहिए। और जितना भी जो गैंग रेप पूरा है अभी और जो कल्प्रिट पकड़ गए हैं वो लोग को फांसी ऑर्डर देना पड़ेगा। और जो लोग आज तक 7 to 2 years में और जितना भी थाउजेंड एंड थाउजेंड जो केसेस है आज भी रजिस्टर नहीं हुआ, रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर नहीं करना देते हैं पुलिस लोग, रजिस्टर में गलत फैक रजिस्टर करता है और पोस्टमार्टम में फैक रिपोर्ट देता है, इसका जस्टिस हम लोग चाहिए। तो इंडिया का मतलब ये बात कह रही हूँ कि जल्द जल्द से एनआरसी दीजिए, अगर एनआरसी करके त्रिपुरा का जो भी इंडियन इंडिया का पॉलिटिकल राज को हम लोग नहीं होता थे तो नॉट ऑन त्रिपुरा एंड दिल्ली में भी आकर उन लोग घुस मिले लोग कायम करेगा, अभी करते रहा। तो मोदी जी को मैं अपील करता हूँ, मोदी जी को मैं अपील करते हूँ, होम मिनिस्टर को अपील करते हूँ, आपका गुजरात में अगर घुस मिले लोग को चीफ मिनिस्टर नहीं बांधते तो मेरा त्रिपुरा में क्यों बनेगा। आज त्रिपुरा का होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बांग्लादेशी है, इससे आगे भी कांग्रेस का कर्मी भी बांग्लादेशी है, 73 years लेकर बांग्लादेशी घुस मिले लोग पोलिटिकल पावर ले रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या वो बंद हो गया कि आग बंद हो गया कान बंद हो गया? आज अगर हम कहना है इंडिया गवर्नमेंट मेरा गार्जियन है, वो हम मेरा आवाज उनका सुना रहा है और मेरा आवाज उनका सुनना चाहिए, तो इसलिए हमने कंटिन्यूसली सुनाते सुनाते आज तक वहाँ पर हम लोग थक रहे हो, लेकिन आज तक हम लोग का एक जस्टिस नहीं मिला। हर दिन और भी बांग्लादेश का जो कायम है शासन है शोषण है हमेशा चलते रहा, और एवरी डे बाइक एक्सीडेंट गाड़ी एक्सीडेंट रेप केस गैंग रेप होते रहते हैं सार पास से कश्मीर, लेकिन एक भी रिकॉर्ड में गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो एक भी सही तरीके से रिपोर्ट नहीं आती है। और इंडिया का कोई यहाँ पर का दिल्ली का कोई मीडिया आप लोग दिल्ली का कोई आप लोग मीडिया तीसरा का कोई पैसा दे ही नहीं, आप लोग कवरेज करते ही नहीं, जो सरकार भी आएगा उसको आप लोग भी कवरेज करता है, तो कौन पता चलेगा इंडिया कैसे चल रहा है। आप लोग का भी दायित्व बनता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट मीडिया भी एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। तो मीडिया को भी मैं अपील करता हूँ, अगर मीडिया लोग गवर्नमेंट को नहीं दिखाते असली समस्या देश का गवर्नमेंट को नहीं दिखाते यो समस्या कभी समाधान नहीं होगा, तो एक देश अगर समस्या होता तो सभी समस्या भुगतना पड़ेगा। तो अगर कश्मीर में कोई भी परेशान होता तो सारा देश परेशान होना पड़ता है, अगर बांग्लादेश के अगर श्रीलंका से तमिल से कोई प्रॉब्लम है तो सब देश ही परेशान होना पड़ता है, तो त्रिपुरा में भी बांग्लादेश का परेशान को आप लोग परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का ये अपील है, हम कहाँ जाकर हम लोग का दुख को प्रकाश करेगा, मेरा गार्जियन इंडिया गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज मोदी जी है कल कौन होगा पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, उसका फर्ज बनते हैं दायित्व बनते हैं, जब तक आप गवर्नमेंट में रहेगा आपका फर्ज को निभाना पड़ेगा। और आप त्रिपुरा को अगर बसा नहीं सकते तो भारत को कैसे बसा रही है, त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है, अगर बॉर्डर को आप नहीं बसा सकते तो ये इंडिया कैसे बसेगा,
बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर से अगर सिक्योर नहीं रहता तो देश कैसे सिक्योर रहेगा। अगर मैं बॉर्डर रहकर देश को सुरक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो ये तो देश का काम है, देश तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं ये देश को छोड़ दिया तो बांग्लादेश में ये वन डे चले जाएगा। तो ये देश का रक्षा से हम लोग जो हम लोग का जी भर का हम लोग जो मूवमेंट कर रही है इसको इंडिया गवर्नमेंट को ये दायित्व लेना चाहिए। इसलिए आज हम लोग वहाँ पर शामिल है इंडिया गवर्नमेंट जल जल से पीपल लोग को सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी देना, बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो राइट से निकल गए उसको हटाना है, जल जल से 2005 से आगे एनआरसी लागू करने हैं प्रेसिडेंसी रूल लेकर, और जो लोग काम किए थे उसको फांसी ऑर्डर देना है, कंप्लीट फांसी ऑर्डर देना चाहिए।